गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये डायना भी इधर लगा दिया मैंने और गाड़ी इधर था तो उधर लगा दिया। अभी इसमें आदमी सीमेंट भरेगा। मैंने वीडियो बनाया था लेकिन डिलीट हो गया था, जब मैं गाड़ी लगा रहा था उसी टाइम इधर लगाया गाड़ी। तो इस तरह से ये मर्सिडीज का ट्रेला होता है और यहाँ सीमेंट कितना दाम में बेचते हैं और कैसे इसका पगार होता है और कितना मेहनत करना पड़ता है वो पूरा वीडियो दिखाएगा। इस तरह से ट्रेला होता है, देखो ये ट्रेला तो अच्छा है मर्सिडीज बेंच का। सीमेंट भर के पंजाबी आए हैं, पंजाबी चला रहा है लेकिन वो सो रहा है, इसलिए मैंने इधर थोड़ा आगे पीछे करके बाजू में लगा दिया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ सीमेंट कितना रियल का आता है, मतलब इंडिया का पाकिस्तान का कितना होता है। 50 केजी की बोरी है, यहाँ पे एक साइड से खाली हो गया इसीलिए मैंने इधर दबा दिया साइड में, और डायना भी उधर मैंने लगा दिया, वो आदमी नहीं आया अभी, एक डायना निकल गया भर के। इस तरह से होता है कुछ सीमेंट। तो मैं और ये डायना लोड करेगा अभी आदमी, उसका तनख्वाह कितना है और ये सीमेंट कितने में बेचता है ये थोड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। जो भी लोग आए सोच समझ कर हिसाब लगा के आना। तो ये आदमी आया है अभी, डायना भी चलाता है और सीमेंट भी। तो इससे पहले थोड़ा पूछ लेते हैं किधर लगाना है। मैं सही लगाया ना डायना, और बाजू में लगा दे। तो दरवाजा नहीं खुल रहा था इसीलिए मैं थोड़ा दूर लगाया। ये डायना, ये अभी पाकिस्तानी, फिर मैं इधर रखा था लेकिन वो बोला के एकदम बाजू में लगाना है इरफान है। ये सीमेंट भी भरता है, अकेला लोड करता है और डायना भी चलाता है और भरता भी है और खाली भी करता है और दिन में 10-10 ट्रिप करता है अकेला। अभी फिर उनको पूछेंगे उनकी पगार कितनी है और कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि लोग वहाँ से सोच के आ जाते हैं विदेश जाना है। तो जो अच्छी कंट्री होती है, मतलब ये भी कंट्री सही है लेकिन जो एजेंट झूठ बोलते हैं और दलाल होते हैं वो झूठ बोल के बेच देता है कि बस तुमके खाली ड्राइविंग करना है, लेकिन इधर आके काम करेगा तो पैसा मिलेगा। अभी इनका पगार कितना है अभी पूछते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा वीडियो में आपको पूरी फिल्म दिखाएगा, भरेगा और खाली करेगा, तब तक मैं साथ में जाएगा दिखाने के लिए। एकदम बाजू में लगा दिया है, अभी वो भरेगा गाड़ी। फिर उल्टा लगाया मैंने दरवाजा। हाँ, पाकिस्तानी 1200-1400 बोरी एक दिन में सप्लाई कर देता है। कितना बोरी एक दिन में करता है? 1400-1500 एक दिन में। एक दिन में 50 किलो का है ये सीमेंट का गोनी, 50 किलो का गोनी एक दिन में 1200-1500 अकेला ये लड़का। तो तुम भी करता है ना खाली? साथ में मैं भी करता हूँ ना। आपका पगार कितना है इस सीमेंट उठाने का? 1300 रियाल। और इनका? इनका भी 1300। उनका भी 1300 रियाल। पर इनका खाली सीमेंट का काम है, मेरा बहुत काम है। हाँ नहीं, तुम्हारा अगला वीडियो में सेवल, बकरी और सीमेंट तीन काम करता है ये मर्द का बच्चा। तो इधर जो काम करेगा वो पैसा पाएगा। ये पूरा मुस्तौजा मैं अकेला संभालता हूँ। क्या बात, पानी से लगाया। A to Z। हाँ, ये आदमी ये यूपी का बाबू है, ये सारा काम करता है। वो लोडर पड़ा है वो भी वो काम करता है, वो वाला। बकरी भी चलाता है और ये सीमेंट का भी काम करता है। जल्दी करे इरफान, बगावत काम। क्या? बाकी बढ़िया बगावत काम। बॉडी बनाएगा। देखो किस तरह सीमेंट लोड होता है। ये सीमेंट का एक बोरी कितने का आता है? 50 किलो। 50 किलो कितने रुपये का, कितना रियल का? 15 रियल। हाँ चलो ठीक है, अभी कैसे भरते हैं देखो कितना मेहनत का काम है। और ये 50 किलो हमारा वजन है। 50 किलो वजन है और 50 किलो का बोरी। कितना बोरी लोड करेगा?
रोज कितना ट्रिप मारेगा? रोज का 500-700 बोरी अकेला डालता है ये। देखो यहाँ प्रदेश में रुपया कमाना, रियाल कमाना कितना मुश्किल है, मेहनत करना पड़ता है भाई, तब रुपया बनता है। अभी ये तम्बाकू की छुटकी मारेगा, पैसा फोकट का नहीं आता है। हाँ पैसा फोकट का नहीं आता है, अभी देखते हैं किस तरह से ये लोड होता है, फिर खाली करने में भी साथ में जाएगा, मैं कहाँ खाली होता है पूरी फिल्म बताएगा हम इरफान की। ड्राइवर भी खुद करता है, सीमेंट भरता भी खुद है और खाली भी खुद करता है अकेला। यह है साथ, सब में साथ सहकार देता है बाबू भाई जो खड़ा है वो। पूरा फिल्म देखो आप, इंजॉय करो। और यहाँ खाड़ी देश में जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि वहाँ जाके पेड़ के ऊपर से पैसा आता है, तो पैसा ऐसे नहीं आता है, जबरी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही ताकतवर आदमी चाहिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान कहाँ के हो इरफान? कराची। हाँ देखो अभी कितना फास्ट भर रहा है ये, देखो अभी 100 बोरी 10 मिनट में भर देगा। मैं अभी भरने के बाद वीडियो करेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा वीडियो चिपका देता हूँ, फिर इसके साथ जाएगा। तो इस तरह से ये होता है सीमेंट, 15 रियल की बोरी है ये। खाली एक ट्रेला खाली होते ही कितना पैसा मिलता है? ये ट्रेला पूरा खाली करेगा तो इन दोनों को 100 रियल मिलेगा, मतलब ये डायरेक्ट डायना में ही खाली करता है ज़्यादातर। एक दिन में एक ट्रेला खाली कर लेता है तो 100 रियल उसमें से मिलता है, तो दोनों को 2 घंटे में खाली कर देता है ट्रेला। लेकिन ये ट्रेला इधर खड़ा रहता है जब तक ये पूरी डिलीवरी ना कर दे। तो इस तरह से होता है यहाँ का सीमेंट, ये स्टॉक पड़ा है और ये जा रहा है। बहुत मेहनत का काम है, वीडियो लंबा बनेगा, आप काट के देख लेना, लेकिन सारी बात सुननी है तो पूरा वीडियो देखना। मैं इसके साथ जाएगा अभी खाली करने के लिए, देख उधर किस तरह से खाली करता है। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है भाई, विदेश में जो भी पैसा वाले के लड़के सोचते हैं ना, ये अरब कंट्री में खाड़ी मुल्कों में तो इस तरह से हर चीज़ का हर काम हाथ से करना पड़ता है। जो भी कपड़ा हाथ से धोना पड़ता है, खाना हाथ से करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ड्यूटी हाथ से करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी होती है। तो जो भी आए सोच समझ के आना, ये कोई मजाक नहीं है, लाइव वीडियो है, कोई ना एडिटिंग है, मैं खुद काम कर रहा हूँ सारा, जो भी काम बोलते हैं मैं करता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाने की को किया है। और अगला वीडियो में भी आपको सारी चीज़ें इधर की दिखाऊंगा, लेकिन बने रहना है, पूरा वीडियो देखना कितना फास्ट होता है। उधर 9 बजे उठते हैं बच्चे, फिर 9 बजे उठ के बोलते हैं हमको विदेश जाना है, 2-4 लाख रुपया लगा के आ जाते हैं, फिर इधर से भाग जाते हैं वापस। उधर बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा नहीं मिलता, ये वो। काम करेगा तो दुनिया में किधर भी चलेगा। और घर वाले भी ये सोचते हैं कि उधर पेड़ है, वहाँ से पैसा तोड़ के भेजते हैं, लेकिन इस तरह से मेहनत होती है भाई। जो भी दोस्त देख रहे हैं तो आगे शेयर करो, ताकि विदेशों में आने के लिए लोग देखो कैसे होता है। लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं जो भी फिल्म पूरी बनाएगा उसका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं इसके साथ जाना है, चल दिए। अभी सूरज है सामने, अभी किस तरह से खाली करेंगे, कहाँ पे खाली करना है ये भी दिखाएंगे। ये हम लोग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे घर वाले फैमिली भी देख सके, हमारे दोस्तों देख सके, और हमारे ये पल जो है वो इसमें कैद हो जाए, जब भी चाहे देख सकते, और वहाँ लोगों को पता चले पैसा पेड़ में नहीं उगता, मेहनत करना पड़ता है। देखो ये अभी हम जा रहे हैं उधर जाके, फिर थोड़ा चालू करेंगे, पूरा वीडियो देखते रहना, पूरा वीडियो आप देखना। तो हम मकान पे पहुंच आए हैं,
और अभी यहाँ पे खाली करेगा सीमेंट, देखो यहाँ पे खाली करेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए देखो यहाँ अकेला खाली करेगा पाकिस्तानी। तो बहुत सारी मेहनत है और इसे हर जगह बिल्डिंग पे ऐसे जो लोकल होता है वो डिलीवरी ऐसे इस तरह से करनी पड़ती है। जहाँ छोटा छोटा काम चालू है वहाँ पे, जो बड़ा काम चालू है वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेला आता है, बड़ा ट्रेला डायरेक्ट उधर पानी और सीमेंट रेती कंक्रीट बिल्डिंगों में डायरेक्ट ट्रेला आता है, तो काम चालू है। देखो अभी किस तरह से खाली करता है। ये लंबा वीडियो बन जाएगा, पूरा इधर ही डालेगा। देखो इस तरह से खाली होगा, फैमिली वाले को पता चले कितनी मेहनत होती है, सब चीज का सीना चाहिए काम करने के लिए, तब जाके 50,000 60,000 लाख रुपया या 25-30,000 कमा सकते हैं। पाकिस्तान का तो अच्छा रेट है तो थोड़ा अच्छा बन जाता है, 30-40 रियाल ओवर टाइम है और 1300 पगार है, तो देखो कितना होता है। इंडिया का 40-50,000 मुश्किल से होता है, इस तरह से मेहनत करते हैं तब। इसलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो दिखाता हूँ, बड़े होटल, बड़े स्टार, बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े शेखों का बंगला, बड़े बड़ी जगहों दिखाने का, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़े 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 साइंटिस्ट और बड़े बड़े बिजनेसमैन को सब दिखाते हैं। और इस खुद ने बोला था कि मेरा वीडियो बना मुश्किल नहीं मेरा पूरा, तो मैं इस तरह से हर आदमियों का वीडियो यूट्यूब में वो करता हूँ शेयर। देखो पूरा खाली करेगा, मैं अब पूरा अभी वीडियो थोड़ा पुशअप करता हूँ। तो यहाँ इस तरह से प्लास्टर तलीस करना है, यह गार्डन होता है, ये सब प्लास्टर बाकी है। साथ साथ में ये भी दिखा दूँ, यहाँ सीमेंट भी उतर रहा है। दूसरा एक वीडियो में बनाएगा यहाँ किस तरह से लेबर लोग काम करते हैं, किस तरह से प्लास्टर होता है, किस तरह से सीमेंट वगैरह लगाते हैं। और देखो चालू है, यहाँ पे खाली हो रहा है, वहाँ तलीस हो रहा है, वो भी थोड़ा झलक दिखला दूँ आपको। ये जो सीमेंट डाला ना वही सीमेंट का है जो तलीस किया, इधर हो रहा है, इधर सामने हो रहा है, देखो यही सीमेंट का बना है ये, देखो इस तरह से करते हैं काम। तो कितने मिल जाता है भाई इसमें? इसमें मोहल्ले में मिलता है 130-140 एक दिन में। एक दिन में देखो इसका ज्यादा प्लस है, ये जो प्लास्टर करेगा तो उसका 130 रियल मिलता है, मतलब 2000 रुपया इंडिया का हो जाता है एक दिन का। 20-30 का मिलता है और हेल्पर का मिलता है 100 रियल, 110 रियल मिलता है। देखो तुम अपना काम पकड़ो तो और फायदा होता है। आप बंगाल के हो? आप बांग्लादेश का? चलो ठीक है, चलो थैंक यू। और खाली ये लेबर का काम करने में कितना मिलेगा? वो उसका 100 रियाल एक दिन का, 100 रियाल फिर खाना पीना रूम
खाना पीना रूम उसका अपना है, कोपिल का फायदा रहता है, मेरे कोपिल का फायदा रहता है। चलो ये किधर से मेरा भी डालेगा, खलास इधर ही डालेगा। तो इस तरह से होता है, पूरा बड़ा वीडियो बनाया लेकिन पूरा देखना, इस तरह से होता है। ये इनको 100 मिलते हैं, इसमें सीमेंट ज़्यादा डालते हैं लोग, ज़्यादा है नहीं सीमेंट, सीमेंट का यूज़ बहुत होता है इधर, और मेहनत करना पड़ता है भाई, तब जाके होता है पैसा। तो पूरा वीडियो बनाया मैं अभी, कितने बजे सुबह कितने बजे आते हो? सुबह कितने बजे आते हो? 5 बजे उठते हो? हाँ नया है, बंगाली बंगाली है। 6 बजे सुबह उठ के आना पड़ता है भाई, ठीक है। और शाम को कितने बजे जाते हो? हाँ शाम को 5-6 बजे जाते हैं। तो इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है तब पैसा मिलता है। विदेश आना है, विदेश आना है, विदेश मुश्किल है भाई, ऐसे नहीं मिलते। हाँ बीवी को, फिर हमारा दोस्त को, मेरा भाई आने वाला है उसको, इसको पता चले ना काम कैसा है। उधर से बोलेगा इधर तो पेड़ है, पैसा ऐसे ही झाड़ पे उगता है, मेहनत करना पड़ता है, और अच्छा कारीगर होता है तो ज़्यादा होता है पैसा। इस तरह से विला बनता है, अपना काम है, अपना पसंद है। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट खुद रखा है। चलो ठीक है।